एंड्रॉयड 13, तो एंड्रॉयड 13 का एक पोर्ट है पिक्सल 6 प्रो के लिए, जो मी 11X डिवाइस के लिए फ्रॉम पिक्सल 6 प्रो से पोर्टेड किया गया है। इनिशियल बिल्ड है, अभी ये बीटा वर्जन पे चल रहा है एंड्रॉयड 13, तो वही एक पोर्ट मी 11X डिवाइस के लिए आया है, जिसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 13 देखने को मिलता है। सिक्योरिटी अपडेट आपको 5 जून 2022 का देखने को मिलेगा। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट आपको 1 जून 2022 का, और जो कर्नल है तो इनिशियल बिल्ड के कारण कर्नल जो मिलता है वो आपको 4.119.228 पे ही अपस्ट्रीम्ड कर्नल मिल जाता है, जो टी रेक्स करके आता है। फीचर्स जो आपको मिलने वाले हैं वो कुछ बड़े चेंजेस नहीं, फिलहाल छोटे छोटे चेंजेस ही आपको देखने को मिलेंगे। सिस्टम अपडेटर है बट आपका सिस्टम अपडेट नहीं होने वाला। सिक्योरिटी में आपके फाइंड माई डिवाइस वगैरह ऑफ रहते हैं। जो आपको ये रोम मिलता है ये आपको बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड मिलने वाला है, इसमें कोई आपको अदर्स से इनके डिक्रिप्ट करने के लिए कोई फाइल डालने की जरूरत नहीं है, आपका बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड मिल जाता है विथ TWRP। तो एक्सेसिबिलिटी में आपको नीचे आने पे साउंड एम्पलीफायर मिल जाता है, ऑडियो एडजस्टमेंट मिलता है, आपको डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलने वाला बट साउंड एम्पलीफायर मिलता है। यहाँ थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कम कर लेते हैं ब्राइटनेस को, ब्राइटनेस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ ब्राइटनेस कम हो गया। आप यहाँ साउंड एम्पलीफायर देख सकते हो, सोर्स है यहाँ पे साउंड है एंड नॉइज, तो नॉइज कैंसलेशन को भी हाई मीडियम और लो पे सेट कर सकते हो। नीचे ऑडियो एडजस्टमेंट है, लाइव ट्रांसलेट, कैप्शन प्रेफरेंस एंड लाइव कैप्शन, ऑडियो की डिस्क्रिप्शन, जो आपकी मूवीज़ वगैरह देख रहे हो तो उसके ऑडियो को डिस्क्रिप्शन करने के भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। वॉलपेपर एंड स्टाइल्स में कुछ वॉलपेपर्स आपको मिलते हैं और कुछ लिविंग वॉलपेपर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो जो वॉलपेपर्स है वो काफ़ी अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स आपको दिए गए। लुक वाइज ये आपको बिल्कुल एंड्रॉयड 12 की तरह लगने वाला है ये रोम पोर्टेड ओएस, तो ये आपको जो मिलने वाला है बिल्कुल लुक वाइज एंड्रॉयड 12 की तरह ही लगेगा। बहुत कम से चेंजेस इसमें किए गए हैं, तो चेंजेस जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ वॉलपेपर से हम लोग यहाँ पे वॉलपेपर सेट कर लेंगे, देन बैक आते हैं। तो बैक में जो डिस्प्ले हमारा मिलता है उसमें 60:120 का ऑप्शन नहीं बट आपको स्मूथ डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, इंक्रीज टच सेंसिटिविटी मिल जाता है। एंड यदि आपका बाई डिफॉल्ट आपका डिवाइस 90 FPS सपोर्ट नहीं करता, नीचे आपको डबल ट्विस्ट 4 कैमरा देखने को मिल जाता है। नाइट लाइट कलर्स आपका बाई डिफॉल्ट सैचुरेटेड पे ही सेट रहता है, और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ आप देख सकते हो साउंड में नहीं मिलता। हैप्टिक फीडबैक्स वगैरह को ऑन करना है, यहाँ पे नीचे आके आप कर सकते हो। देन अदर आगे चलने पे बैटरी जो आपको देखोगे तो बैटरी में भी आपको थर्मल प्रोफाइल मिसिंग मिलने वाला है, क्योंकि कर्नल अभी इनिशियल बिल्ड पे है और ये पहला कर्नल एंड पहला एक पोर्टेड पिक्सल 6 प्रो की तरफ से पोर्टेड ओएस आपको दिया जा रहा है एंड्रॉयड 13 का बिल्ड। ऊपर जो आप देख पा रहे हो नीचे में आपको जो मिल जाता है एक पावर नोटिफिकेशन का सेक्शन, वहीं पावर ऑफ एंड ऑन करने का, और थोड़े से यूआई वगैरह चेंजेस हैं। देन जैसे कि आप लोग देख सकते हो नीचे में यहाँ पे जो दिख रहा है आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, एक पावर का ऑप्शन दिख रहा है नीचे में राइट साइड में, तो वो आपको एक थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम टाइम आपको लगने वाला है कि आप एंड्रॉयड 12 ही यूज कर रहे हो। और थर्मल प्रोफाइल यहाँ पे आप देख सकते हो मिसिंग है, थर्मल प्रोफाइल आपको नहीं मिलने वाला। थोड़े बग मिलने वाले हैं, स्टार्टिंग के टाइम पे लिखा है योर डिवाइस इज नॉट सपोर्टेड बाय योर डेवलपर, तो ये सब वगैरह आपको दिखेगा, फीडबैक वगैरह मांगेगा, बग वगैरह आपको मिलने वाला है, क्योंकि अच्छे से अभी ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं हुआ है उस लेवल पे, क्योंकि अभी ये इनिशियल बिल्ड ही आपको मिल जाता है। यहाँ होम स्क्रीन को टैप करने पे आपको वॉलपेपर मिलता है, तो होम स्क्रीन टैप करके ही वॉलपेपर सेट कर सकते हो, डायरेक्टली की भी ऑप्शन है और आप स्क्रॉल भी कर सकते हो होम स्क्रीन पे ही जाके। एप्लीकेशन इसमें बहुत सारे आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं, उसको आपको अनइंस्टॉल करने के लिए उसको ऐप को टैप करके करना पड़ता है। तब अब इसकी बात करते हैं सीपीयू थ्रॉटल की, इसमें तो सीपीयू थ्रॉटल जो हमारा होता है वो 92% होता है सीपीयू थ्रॉटल, जो काफ़ी अच्छी बात है। गीगबेंच 5 के भी स्कोर आपको मिलने वाले हैं, जो सिंगल कोर स्कोर अच्छा है बट मल्टी कोर स्कोर आपको काफ़ी डाउन मिलता है। और साथ ही साथ आज आपको गूगल पिक्सल 6 प्रो जो हमारा डिवाइस होगा उसका स्कोर कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है।
सारे स्कोर एवरेज आपको सही देखने को मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बट अब हम बात करेंगे गेम प्ले की। तो गेम प्ले में आपको 90 FPS बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, तो फ़ोन को अब रूट करके उसमें 90 FPS का मॉड्यूल डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या ये इनिशियल बिल्ड जो है वो आपको गेम प्ले के लिए सही है, या फिर आप इसको इंस्टॉल करके न्यू एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस ले सकते हो साथ में गेमिंग करते हुए। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने गेम प्ले पे और देखते हैं गेम प्ले कैसा देते हैं। 90 FPS की स्मूथनेस की बात करें तो 90 FPS आपका स्मूथ मिल जाता है, बट थोड़े बहुत ग्लिचेस मिलते हैं जो कि आपको मतलब कि मिनिमल होने वाले हैं। ऑटो नोटिफिकेशन या एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कोई नोटिफिकेशन आने पे आपको थोड़ा सा रेंडर देखने को मिलता है। यदि आपके बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस हो रहा हो, कोई एप्लीकेशन आ रही हो या कोई अदर नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ रहा है, तब जाके आपको एक थोड़ा सा रेंडर फील होता है, तो वो इनिशियल बिल्ड के कारण आपको देखने को मिल जाता है। वीटा वर्जन है ये, थोड़े अपडेट आने पे ये फिक्स हो जाएगा। अभी बहुत सारे बीटा टेस्टर्स वर्जन आएंगे इसमें, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व होते जाएगा हर एक अपडेट के साथ। तो फिलहाल ये जो मैंने अभी इंस्टॉल किया, ये जो बिल्ड है, इस अपडेट को अभी देखते हैं क्या परफॉर्मेंस अभी आपको देने वाला। स्टेबिलिटी अभी देखने को मिल रही है 90 FPS में, 88-85 देखने को मिल रहा है। अप्रोक्स यहाँ पे 2 से 3 स्क्वाड आने वाली है। देन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या आपको परफॉर्मेंस मिलता है। आई गो गोली लगी रे। फिलहाल यहाँ पे जितने बंदे आए थे वो ऑल वाइप्ड हो चुके हैं, बट यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी देखने को मिली वो काफ़ी बेहतर देखने को मिला। जब तक आपका कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में डिस्टर्ब नहीं करता, आपका FPS कॉन्स्टेंट रहता है। 88, 89, 86, 85 FPS आपको देखने को मिल जाता है। कंसिस्टेंसी इसमें बहुत अच्छी मुझे लगी देखने को। और बेसिकली जो भी पिक्सल सपोर्टेड रोम होते हैं या पिक्सल बेस्ड आपको कस्टम OS आप जो ले लेते हो AOSP बिल्ड, वो आपको बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देता है पिक्सल OS और PPUI के रिगार्डिंग। तो आपको जो स्टेबिलिटी देखने को मिलती है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल देखने को मिलने वाला। बस हाँ, आपको 90 FPS में क्या होता है कि हीट कुछ ज़्यादा ही मिलने वाला है, हीटिंग इशू जो है कुछ ज़्यादा मिल रहा है। अभी मेरा फ़ोन जो है लगभग मुझे टच करके फील हो रहा है कि अप्रोक्स 47-48 के डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसका टेम्परेचर हो गया। तो मतलब कि हीटिंग इशू थोड़ा 90 FPS में इसमें ज़्यादा है। और 90 FPS को इंस्टॉल कर मतलब मॉड्यूल डालते हैं, उसके बाद जो हीटिंग बढ़ जाती है 90 FPS पे गेम प्ले पे, वो ज़्यादा होने के साथ साथ आपका बैटरी कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यदि इसको आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड है, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके इसके फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। एक फर्मवेयर आता है 120 MB का, उसको ADV साइड लोड से फ्लैश करना है। ADV साइड लोड से कैसे फ्लैश करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हाउ टू इंस्टॉल दिस रोम करके। तो आपको सबसे पहले FW करके कि वेंडर आएगा 120 का, उसको आप ADV साइड लोड से फ्लैश कर दो। देन फ्लैश हो जाने के बाद अपने डिवाइस को आप फास्ट बूट रोम में कर लेना। फास्ट बूट मोड में करने के बाद आपको फास्ट बूट मोड में चले जाना है। पहले सबसे पहले तो आपको
120 MB या 200 MB के अप्रॉक्स, मुझे नहीं I'm याद really नहीं आ रहा sorry. मुझे, 200 MB के अप्रॉक्स आपको Okay. एक वेंडर मिलने वाला है, उसको आपको फ्लैश करना है, देन आपको फास्ट बूट मोड में चले जाना है। उसके बाद आपको जो दूसरा मिलेगा फाइल उसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उसमें से एक फाइल मिलेगा विंडोज़ का, विंडोज़ आपको अपडेट रोम करके आएगा, तो उसको आपको अपडेट रोम को रन कर देना। उसके बाद होगा कि आपका जो कमांड है वो अपने आप वर्क करेगा। बीच के टाइम पे आपको स्पार्स फेल्ड लिखाएगा, एरर लिखाएगा, लेकिन उसको आपको सेफली आपको देखते रहना। आपको 2 मिनट लेगा, हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम ले, तो आपको उस कमांड लाइन पे ही रहना है। आपको लगेगा कि कभी कभी कि हाँ ये फ्लैश नहीं हो रहा, मतलब स्टक हो गया, बट वो स्टक नहीं होता, आपके बैकग्राउंड में वो सर्विस चलती रहती है, तो आपको सर्विस वो चलता रहेगा, फ्लैश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फ्लैश हो जाने के बाद यदि आपका डिवाइस रिबूट होता है तो सही, बट यदि नहीं होता तो आपको मैनुअली आपके डिवाइस को रिबूट करना पड़ेगा, और आपका डिवाइस सक्सेसफुली बूट हो जाएगा न्यू लोगों के साथ में, एंड उसके बाद आप रोम का मज़ा ले पाओ। तो जो भी फाइल है रिगार्डिंग, आपको सारे एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाने वाला है इस रोम के फ्लैशिंग गाइड के रिलेटेड में। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलेंगे एक न्यू गेमिंग कस्टम रोम के साथ और नए नए गेम प्ले के साथ में।